वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 9. इससे प्रीवियस वीडियो में वी हैव स्टडी अबाउट चैप्टर 8. आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 के बारे में, द स्टडी ऑफ रॉक. ओके चिल्ड्रन, आज हम रॉक्स के बारे में जानेंगे. लेट अस सी. आवर अर्थ प्रोवाइड अस लैंड टू लिव, सॉइल टू ग्रो, आवर क्रॉप्स, ओशियन एंड रॉक्स. The rocks are huge masses of material that cover a large area of the earth. We have already studied that some of the rocks were broken into smaller pieces due to force of nature, and the smaller pieces were carried away by water to distant places and led to the formation of soil. तो बच्चों एक चीज़ बता दें कि हमारी जो पृथ्वी है बच्चों, that is made up of rock and soil. तो रॉक्स क्या होते हैं? एक्चुअली सॉइल क्या होता है? सॉइल जो होता है रॉक का पाउडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि जो नेचर के द्वारा जब रॉक्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद वो पानी के द्वारा कैरी, यानी दूसरे एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं बाय टम्बलिंग, है ना. तो वो धीरे धीरे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो एट लास्ट वो दे चेंजेस इन टू सॉइल. एक और प्रोसेस है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों रॉक्स जो होते हैं वो डेली हीट होने और कूल होने, यानी कि जब वो दिन में गर्म हो जाते हैं बिल्कुल और रात के समय जब सूरज की रोशनी नहीं होती है देन इट बिकम्स कूल. रेगुलरली इनके हीटिंग और कूलिंग के कारण ये जो पत्थर होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं और नेचुरली किसी भी तरीके से हवा के द्वारा, रेन के द्वारा या फिर टंबल होने के कारण ये टूट जाते हैं और टूटते टूटते ये फाइनली एकदम फाइन पीस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज सॉइल. ओके चिल्ड्रन, लेट अस सी. द रॉक्स कंटेन वन और मोर मिनरल्स. और रॉक्स जो होते हैं उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा भी मिनरल्स पाए जाते हैं. द मिनरल्स आर नेचुरल नॉन लिविंग सब्सटेंस. टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स जो होते हैं बच्चों वो पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, यानी कि पृथ्वी का जो सरफेस है अगर हम उसकी खुदाई करते हैं अंदर की तरफ तो हमें बहुत सारे रॉक्स मिलते हैं. जैसा कि आपने सॉइल के लेयर के बारे में पढ़ा है, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक. ओके चिल्ड्रन, लेट अस सी टाइप्स ऑफ रॉक. रॉक्स आर जनरली डिफरेंट इन द ओरिजिन, कलर, टेक्स्चर एंड काइंड ऑफ मिनरल्स. पत्थर जो होते हैं, रॉक्स जो होते हैं बच्चों, वो जनरली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. उनके ओरिजिन डिफरेंट होती है, उनके कलर्स डिफरेंट होते हैं, उनके टेक्स्चर डिफरेंट होते हैं एंड काइंड ऑफ मिनरल्स, यानी कि उनके अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स भी डिफरेंट होते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन रॉक्स आर डिवाइडेड इंटू 3 मेजर क्लासेस. यानी कि अगर रॉक्स को देखा जाए तो वो कॉमनली वो 3 रूपों में पाए जाते हैं, इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके चिल्ड्रन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इग्नियस रॉक की. व्हाट आर इग्नियस रॉक? इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ हॉट रॉक मटेरियल. द हॉट रॉक मटेरियल प्रेजेंट डीप इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा. द हॉट मटेरियल इज पुश्ड अपवर्ड बाय द प्रेशर ऑफ द अदर रॉक and it comes out of the cracks in this earth surface and gets spread over a large surface. This hot material cools down to form rock and the magma that reaches the surface of the earth is called lava. Okay children, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके 3 लेयर होते हैं. कितने लेयर होते हैं बच्चों? 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल और कोर. ओके चिल्ड्रन, हमारी पृथ्वी के 3 लेयर होते हैं. जो ऊपरी सतह जिस पे हम लोग रहते हैं उसे हम कहते हैं क्रस्ट. क्या कहते हैं? क्रस्ट. और उसके बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं, बीच मिडिल लेयर को कहते हैं मेंटल. और उससे सबसे बीच में होता है कोर, यानी कि ये जो होता है हॉट बॉल होता है, मेटल का हॉट बॉल होता है. तो एक्चुअली क्या होता है, जब पृथ्वी काफ़ी गर्म हो जाती है तो इन पृथ्वी के सरफेस पे क्रैक्स आ जाते हैं और क्रैक्स से ये जो मेंटल में से जो हॉट मोल्टन हॉट मोल्टन मैग्मा है वो क्या करता है, इस क्रैक से बाहर निकलता है. ओके चिल्ड्रन, बाहर निकलता है और इट रीचेस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ.
और वो पृथ्वी के सरफेस पे आ जाता है, जिसे हम लावा कहते हैं। आपने देखा होगा ना ज्वालामुखी, जो देखते हो आप, ज्वालामुखी जब फटता है उसमें से लावा बाहर निकलता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के बीच वाले लेयर में, सबसे मिडिल लेयर में हॉट मॉल्टन रॉक है, यानी कि पिघला हुआ रॉक और बिल्कुल गर्म, वो लावा के रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। और जब ये लावा बाहर आकर ठंडा हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू रॉक। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट वी मूव ऑन। इग्नियस रॉक्स आर ओल्डेस्ट रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। इग्नियस रॉक जो है बहुत ही पुराने पत्थरों में इनकी गिनती होती है। द रॉक्स आर यूजुअली कंटेन मिनरल्स लाइक मिका, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, सिलिका, आयरन एंड मैग्नीशियम। यानी रॉक्स के अंदर ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। द कॉमन टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स आर, यानी इग्नियस का अर्थ है, यानी कि इग्नियस का अर्थ है फायर से रिलेटेड, है ना। तो इसके कॉमनली किस इग्नियस जो रॉक है वो किस रूप में पाए जाते हैं, तो सबसे पहले जो रॉक है जो इग्नियस फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज ग्रेनाइट। व्हाट इज ग्रेनाइट, लेट अस सी। इट इज़ अ कॉमन इग्नियस रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। इट इज लाइट कलर्ड रॉक कंसिस्टिंग ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड मिका। दिस इज वेरी हार्ड स्टोन, इज यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, स्टैचूज एंड फॉर पविंग स्ट्रीट्स। यू मस्ट हैव सीन फ्लोर और किचन काउंटर्स मेड ऑफ ग्रेनाइट। आपने देखा होगा कि किचन या काउंटर पर ग्रेनाइट के पत्थर की बनी होती है ना, आपने देखा है ना शेल्स बने होते हैं ये, तो ग्रेनाइट का इस्तेमाल बिल्डिंग्स बनाने में होते हैं, स्टैचू बनाने में होते हैं, तो ये एक प्रकार का इग्नियस रॉक होता है। देन नेक्स्ट सेकेंड प्यूमिक। व्हाट इज प्यूमिक, इट इज आल्सो अ लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक, इट हैज़ मेनी होल्स। आपने देखा होगा प्यूमिक जो होता है वो एक प्रकार का लाइट कलर होता है, उस पर बहुत सारे होल्स बने होते हैं एंड पॉकेट्स इन इट बिकॉज ऑफ द गैस ट्रैप इनसाइड इट ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। ये इनके अंदर ऐसे छेद छेद होता है, आपने देखा होगा प्यूमिक स्टोन, प्यूमिक रॉक क्यों होता है, क्योंकि जब ये बनते हैं तो उसमें से इनके जो गैस जो एस्केप होते हैं बाहर निकलते हैं, तो वो ये छेद बना देते हैं। देयरफॉर इट हैज़ ए स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह होता है। यू कैन सी दिस इज प्यूमिक, ये हमारा ग्रेनाइट था, ये हमारा प्यूमिक है, इस पर बहुत सारे छेद होते हैं इसके अंदर, और बिल्कुल इनकी जो आकृति है वो स्पॉन्ज की तरह होती है। डेंटिस्ट यूज पाउडर्ड प्यूमिक फॉर फाइन पॉलिशिंग ऑफ टीथ। तो डेंटिस्ट जो होते हैं दांत को पॉलिश करने के लिए प्यूमिक रॉक का ही इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए स्क्रबर, आप लोग स्क्रबर के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे स्क्रबर मांगोगे एड़ी रगड़ने के लिए, तो आपको प्यूमिक स्टोन ही मिलता है। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट थर्ड वन ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन भी एक प्रकार का रॉक, इग्नियस रॉक है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द मैग्मा दैट कूल डाउन वेरी क्विकली, यानी कि वो मैग्मा जब जो तुरंत ठंडा हो जाता है, बाहर निकलते ही तुरंत ठंडा हो जाता है, ऐसे रॉक से बनता है ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन इट लुक्स लाइक अ ब्लैक ग्लास, और बिल्कुल काले पत्थर की तरह, शीशे की तरह दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ इट्स शार्प एज इट इज़ यूज टू मेक कटिंग टूल्स, इसके एज जो होते हैं किनारे काफ़ी शार्प होते हैं, इसीलिए इनको कटिंग टूल्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेडिमेंटरी रॉक। व्हाट आर सेडिमेंटरी रॉक, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पीबल्स, सैंड, मड, ग्रेवल, क्ले दैट आर डिपोजिट इन द ओशियन। सेडिमेंट, सबसे पहले बच्चों सेडिमेंट के बारे में बता दूँ। सेडिमेंट यानी कि ऐसी सब्सटेंस जो तली में बैठ जाती है। आपने देखा होगा ना, तो जब नदी का पानी काफ़ी तेज़ बहाव से बहता है, तो आपने देखा होगा कि नदी के तली में बहुत सारे रॉक्स पाए जाते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक। द मेन रॉक आर ब्रोकन इंटू स्मॉल पीसेस और पीबल्स बाय विंड, रेन एंड फ्लोइंग वाटर। दीज स्मॉल पीसेस आर कैरिड अवे बाय द वाटर into stream and river. These are finally carried down by rivers into the sea and get deposit. यानी कि ये समुद्र के नदियों के द्वारा पानी के साथ ये बहकर ओशियन में चले जाते हैं और
लास्टली ये जाके ओशियन में डिपॉजिट हो जाते हैं एंड दिस डिपॉजिट आर इन द फॉर्म ऑफ लेयर। और ये डिपॉजिट होते रहते हैं और ये अपनी एक लेयर बनाते रहते हैं समुद्र की तली में। विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम बीतते बीतते लेयर अपॉन लेयर पाइल अप एंड फॉर्म अ सॉलिड हार्ड मास कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक। यानी कि बार बार बारिश का होना, पानी के साथ इन पत्थरों का, कंकड़ों का बहकर समुद्र में जाना एक लेयर बनाती जाती है। यानी जब लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती जाती है और काफ़ी समय बाद, बहुत काफ़ी समय बाद ये सॉलिड हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक। ओके चिल्ड्रन, सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स आर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कौन सी, सैंड स्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, शेल, लाइम स्टोन, ये एक प्रकार के सेडिमेंटरी रॉक्स हैं। ओके चिल्ड्रन, तो सैंड स्टोन का इस्तेमाल किस लिए होता है? सैंड स्टोन जो होता है काफ़ी फेमस पत्थर है। इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्वार्टर्स एंड सीमेंटेड टुगेदर। इट इज़ अ सॉफ्ट रॉक एंड मे हैव येलो, ब्राउन, रेड और पिंक कलर। इसका जो कलर होता है येलो होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है या पिंक होता है। काफ़ी सॉफ्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज मेनी प्लेसेज जयपुर राजस्थान आर मेड ऑफ सैंड स्टोन। और जो लाल किला, जो लाल पत्थरों से बना हुआ है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सैंड स्टोन। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉन्ग्लोमरेट। इट इज़ रॉक ऑफ अनइवन टेक्सचर। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेवल। ये बड़े बड़े गिट्टियों से बना होता है, यानी पत्थर के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसे। स्टोन्स एंड पीबल्स सीमेंटेड टुगेदर बाई मिनरल्स एंड सैंड कैरीड बाई वाटर। इट इज़ फाउंड मोस्टली ग्रे एंड ऑरेंज कलर। इसका जो कलर होता है वो ग्रे या ऑरेंज कलर में पाया जाता है। सो चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है कॉन्ग्लोमरेट, यू कैन सी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं शेल के बारे में और लाइमस्टोन के बारे में। सो चिल्ड्रन, लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।